लैपटॉप के स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप प्रोजेक्शन सेटिंग सर्च मारिएगा। प्रोजेक्शन सेटिंग पे आप सर्च मार के इसके देखिए मैं स्क्रीन पे दिखा रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद तो हमारे पास एक इस प्रकार का पेज खुलेगा। इस पर खुलने के बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑलवेज ऑफ, तो इसको आप अवेलेबल एवरीवेयर पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आप सेकेंड नंबर पर जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम ओनली है तो इसको ऐसे छोड़ देना है। इसको ऐसे छोड़ने के बाद जो इसके पास नेवर है, नेवर को फर्स्ट टाइम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि अपना मोबाइल का वाईफाई और लैपटॉप का वाईफाई एक तीसरे वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे इसका वाईफाई एक दूसरे से कनेक्ट है तो एक तीसरे वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, तभी स्क्रीन कास्टिंग चलेगा। आपको फ़ोन के स्क्रीन पर लिया जाके आपको कैसे कनेक्ट करना है इसके बारे में, तो हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, वाईफाई से एक तीसरे वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपका लैपटॉप का वाईफाई ऑन हो जाएगा, उसमें भी कनेक्ट कर लीजिएगा वाईफाई। कनेक्ट करने के बाद आपको सिंपली आपके मोबाइल पर जाना है। मोबाइल में जाने के बाद अपने सेटिंग में चलिएगा। सेटिंग में स्मार्ट मिररिंग जो यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको स्मार्ट कास्टिंग भी लिखा होगा, स्क्रीन कास्टिंग भी अलग अलग नेम से होते हैं। सिंपली मेरे में लिखा है स्मार्ट मिररिंग, तो हम स्मार्ट मिररिंग पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पर स्क्रीन मिररिंग ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करने के बाद ऑफ है तो इसको ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद जो मेरे लैपटॉप का नाम है वो सर्च में आ जाएगा। आने के बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक यूनिक सा इंटर पिन आ जाएगा, इसको इस पिन को आपके अपने मोबाइल में इंटर कर देना है। दोनों सेम करने के बाद अलाउ कर दीजिएगा तो दोस्तों आपका एक दूसरे से स्क्रीन कास्टिंग होने लगेगा। दोस्तों हमारी जानकारी कैसी लगी वीडियो में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।